नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 3। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी कंटिन्यूशन का पहला और दूसरा लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन तक हो गया था, अब हम लोग आएंगे एनिमेशन टैब पे। एनिमेशन में आ गए। एनिमेशन भी मैंने बताया था कि यहाँ से जैसे अगर एनिमेशन करना है तो ऐड एनिमेशन से जाते हैं। ठीक है, ये एनिमेशंस बने हुए हैं, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से हम क्लिक करके ले सकते हैं। इंट्रेंस है, इम्फेसिस है, एग्जिट है, ठीक है, मोशन पाथ है, और ये चारों ऑप्शन यहाँ भी है। मतलब सेम चीज़ है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ऐड एनिमेशन से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन आता है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी ट्रांजिशन जब लगाते हो, पहले एनिमेशन पैन लो, ये एनिमेशन पैन आ गया, और यहाँ से प्ले करके देख सकते हो। यहीं पे फुल स्क्रीन नहीं दिखाएगा, छोटी स्क्रीन पे ही शो करेगा, ये तुमने प्ले किया, ये प्ले हो रहा है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा मैटर एक साथ एनिमेट हो रहा है, कुछ भी एक साथ अपीयर हो रहा है। फिर से ध्यान दो, ये एक साथ वेलकम टू आया मैटर, फिर लखनऊ एक साथ आया, फिर ये स्पिन हुआ, अगेन स्पिन हुआ, मतलब एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट अगर हमें चेंज करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं इसमें वर्ड बाय वर्ड आए, एक एक बारी बारी से वेलकम अलग आए, टू अलग आए, या लेटर बाय लेटर आए, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है, हम सेट कर सकते हैं, बताएंगे हम। ठीक है, इसके बाद पहले यहाँ स्टार्टिंग से देखो, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये वही है, स्लाइड शो क्लिक करोगे तो नहीं, यहीं पे ये शो करेगा प्ले जैसा। यहाँ पे स्टॉप कर दो, स्टॉप, यहाँ से एनिमेशन सेट कर दिया, और यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, एनिमेशन पैन को हाइड और शो कर सकते हो। यहाँ से ट्रिगर मतलब होता है बार बार, ठीक है, तो यहाँ से किस चीज़ पे ये वर्किंग करे, ठीक है, टाइटल वन और सब टाइटल टू, दो टाइटल है इसमें। ठीक है, तो माउस की क्लिक पे कौन सा वर्किंग करे, ठीक है, तो ये हम ट्रिगर लगा सकते हैं। तो माउस की क्लिक पे नहीं चाहिए हमें, ऑटोमेटिक चाहिए, वही चीज हम यहाँ से भी करते हैं। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये तुम्हारे ट्रिगर्स दिखा रहे हैं, जैसे माउस क्लिक पे स्टार्ट हो या ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। अब यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाओगे तो ये इफेक्ट्स दिखाएगा, ठीक है, क्लिक करो तो अब यहाँ पे शो करेगा। जैसे सबसे पहले इफेक्ट में गए तो साउंड, अगर हम चाहते हैं कि अपीयरिंग साउंड भी हो, तो यहाँ से हम कोई साउंड ले सकते हैं, जैसे हम लगा दिया एरो, ऐसा एरो जैसा सन से, जैसे भगवान लोग एरो छोड़ते थे, तो ऐसा आवाज आएगा, करके देखो, ये देखो आवाज आई एरो जैसी, ये देखो फिर आई, आवाज सुनाई दे रही नहीं दे रही है? हेलो, नहीं सर, नहीं सर, मुझे दे रही है। ठीक है, ये ऑनलाइन है इसलिए साउंड नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन पे गए, यहाँ से लगा दिया, ठीक है, यहाँ एनिमेट होने के बाद वो डिम हो कि ना हो, तो हमने डोंट डिम ऑलरेडी सेव है, यानी कि कलर डल नहीं होगा। ठीक है, एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस, यानी वन ऑब्जेक्ट जैसा है, यहाँ पे बाय वर्ड कर दोगे तो बाय वर्ड आएगा। ओके करो, ये देखो अलग अलग आया, वेलकम अलग, टू अलग, ये देखो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई लेटर कर दोगे तो एक एक लेटर आएगा, ये देखो, क्लियर है? हेलो, जी सर, जी सर, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से वापस से सही कर दो, ऑल एट वंस चेक करना है, लेकिन सही करके छोड़ना है। ठीक है, तो जितने भी ये इफेक्ट हैं,
हर इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस तुम अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे मान लो ये लखनऊ का एग्जिट है, इसको प्ले करके देखते हैं, ये ऐसे गया ठीक। अब यहाँ से इस पे गया, इफेक्ट ऑप्शन बायलेटर कर दो, ओके। अब देखो ये एक एक ऐसे स्टाइल से आएगा, थोड़ा स्टाइलिश लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। इसके बाद स्टार्ट वही चीज है जो यहाँ से हम सेट करते हैं, जैसे यहाँ से हमने सेट किया माउस क्लिक या आफ्टर प्रीवियस, वही चीज है। ये देखो आगे ऑन क्लिक विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। आफ्टर प्रीवियस यानी पिछले के बाद, और विद प्रीवियस मतलब पिछले के साथ, ठीक है। तो आफ्टर प्रीवियस लगाएंगे, ड्यूरेशन दिखा रहा है कि कितने सेकंड तक ये चलेगा, 2 सेकंड, और डिले ये कितना टाइम डिले लेगा, तो ये डिले बिल्कुल नहीं लेगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, वेरी यस सर। ठीक है, तो यहाँ से रिकॉर्ड एनिमेशन, अगर एनिमेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ से रिकॉर्ड एनिमेशन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें, एनिमेशन वाला पूरा टैब आपका फिनिश हो गया। अब देखो स्लाइड शो में आएंगे, तो स्लाइड शो के जितने भी ऑप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके सारे ऑप्शन केवल और केवल प्रेजेंटेशन के लिए ही है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 स्लाइडें हैं, ठीक, और हम चाहते हैं कि जैसे कर्सर हमारा 2री स्लाइड पे है, हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से हो, जैसे F5 प्रेस करो तो ये देखो स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन चलेगा, पहले पहला आएगा, भले ही हम 2रे पे थे, आएगा ऑर्डर वाइज ही, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन जैसे स्टार्टिंग से ही हो, ठीक है। तो फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि जैसे ये है, ये सेलेक्टेड है, और शॉर्टकट की के बजाय यही प्रेस कर दोगे, यही ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग, देखो शॉर्टकट की दिखा रहा है, तो ये बिगनिंग से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, F5 प्रेस करो या यहाँ क्लिक कर दो, बात एक ही है, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, और इस स्लाइड से हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी दूसरा और तीसरा, तो फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करो, ये देखो दूसरा आया, ये 3री स्लाइड आ गई, जिसपे केवल एनिमल लिखा हुआ था और कुछ इस पे लिखा नहीं था मैंने, यहाँ पे देखो ये तो केवल एनिमल लिखा, यहाँ जब कुछ ऐड करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम करंट स्लाइड, इसकी शॉर्टकट की लिखते चलो, देखो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5, शॉर्टकट की बहुत पूछता है इसका, इसका ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जो सिलेक्टेड स्लाइड होगी वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट कर देगा और एंड तक ले जाएगा। प्रेजेंट, ये देखो प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन किसी को शो कराना है तो नेटवर्क होना चाहिए कंप्यूटर का,
फिर हम ऑनलाइन भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो। अब यहाँ पे ध्यान देना, कस्टम स्लाइड शो जो होता है ये होता है मतलब कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब ये है, जैसे मान लो 3 स्लाइड है या 10 स्लाइड है, ठीक है, और उन 10 स्लाइडों में से कोई भी 3, 4, 5 अलग अलग स्लाइड का कॉम्बिनेशन मिला के अलग प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। जैसे 3 स्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक किया और स्लाइड नंबर 3 को हम पहले कर देते हैं। देखो ये फर्स्ट हो गया, वेलकम को हम बीच में कर देते हैं, ये सेकंड हो गया, और कोर्सेस वाला हम लेते ही नहीं है। ओके करिए, ये देखिए कस्टम शो 1 बन गया। यहां से शो करिए, ये देखिए, ये देखिए तीसरा स्लाइड पहले आया। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से हम कस्टम शो बना सकते हैं। कस्टम शो यहां से, यानी अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, यहां से रीनेम भी कर सकते हो। कहां गया नाम बदलने का ऑप्शन दिखा देगा, बता दिए सब। एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, मतलब ये सारे ऑप्शन तुम यूज कर सकते हो, रिमूव कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है सेटअप स्लाइड शो। ठीक है, सेटअप स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे तो प्रेजेंटेशन का सेटअप कर सकते हैं हम लोग कि कैसे कैसे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, तो जितने भी प्रेजेंटेशन होंगे वो फुल स्क्रीन पे शो करेंगे। अगर यहाँ से हम कर देते हैं विंडो मोजुअल मोड, ये देखो ये विंडो मोड, इंडिविजुअल विंडो मोड। ठीक है, अब ओके करो और अब F5 करो, ये देखो प्रेजेंटेशन चल रहा है, लेकिन नीचे का ये टास्क बार हाइड नहीं हुआ, स्टेटस बार हाइड नहीं हुआ, ऊपर से टाइटल बार हाइड नहीं हुआ। ये क्या है, ये आपका विंडो मोड कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विंडो मोड में, वापस सही कर दो। देखो शो ऑप्शंस, अगर इस पे टिक कर देते हो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, तो कीबोर्ड में जो एस्केप बटन होता है लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे कीबोर्ड में, ठीक है, ESC बटन, एस्केप बटन, ठीक है, तो अगर इस पे टिक कर दिया है तो अब क्या होगा कि 1, 2, 3 स्लाइड है तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये वापस से रिपीट होके चलता रहेगा। उसको बोलते हैं लूप लगना, यानी रिपीट होना मतलब लूप लगना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमने इस पे टिक कर दिया तो जब तक एस्केप बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक वो रिपीट होके चलता ही रहेगा। तो हटा दो इसको, फिर इस पे क्लिक करते हैं शो विदाउट नरेशन। अगर इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वो वर्क नहीं करेगी, विदाउट नरेशन होगा। ठीक है,
शो विदाउट एनिमेशन, बिना एनिमेशन का काम करेगा। देखो F5 प्रेस किया, ये देखो स्लाइड आएगी और चली जाएगी, ये स्लाइड आई, ये देखो खत्म हो गया, स्लाइड आई और चली गई तुरंत तुरंत। ठीक है, तो ये होता है हमारा शो विदाउट एनिमेशन। तो एनिमेशन भी हमको दिखाना है, हटा देंगे। ठीक है, और इस पे टिक मार्क लगा दो, और इसके बाद ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा, क्लियर है जैसा था वैसा। अगेन स्लाइड शो में जाएंगे तो इधर शो स्लाइड्स दिखा रहा है, कितनी स्लाइड को शो करना है। यहाँ पे जैसे हम कर देते हैं ऑल, ऑल माने तो पूरा दिखेगा जितने भी है। फ्रॉम में अगर हम कर देते हैं यहाँ से 2 से 3, ठीक है, तो यहाँ से यानी स्लाइड नंबर 2 से स्लाइड नंबर 3 तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 नंबर आखिरी स्लाइड है। ठीक, ओके किया और F5 प्रेस करो। ये देखो दूसरा आया, पहला नहीं आया। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। ये देखिए दूसरा और तीसरा ऑल कर दो। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन आता है पेन कलर, ये और पॉइंटर कलर। ठीक है, तो पेन कलर क्या होता है समझो, F5 करो, प्रेजेंटेशन आया, अब इस पे हमें कुछ समझाना है। राइट क्लिक करोगे, पॉइंटर ऑप्शन पे जाओगे और पेन चूज कर लोगे। कहाँ गया, ये पेन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ भी समझाना है तो ये उसी कलर में आएगा। ये लेजर था, ये पेन ले लेते। ठीक है, ये देखो उसी कलर में बनेगा, जो कलर वहां पर हमने दे रखा था उसी कलर में ये पेन हमारा काम करेगा। राइट क्लिक करो यहां से, एरो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाइट स्लाइड, जैसे दूसरा स्लाइड है, तीसरा है, ये पहला है ऊपर, ये तो ये है जैसे आपका दूसरा, हम चाहते हैं इसको हाइट कर दें, तो हाइट पर क्लिक करोगे तो ये हाइट हो जाएगा और इस स्लाइड के ऊपर जो है यहाँ पे कट बन के आ जाएगा। ये देखो कट बन के आ गया। ठीक है, हाइट हटा दो, ठीक है, अब F5 करो, पहला चलेगा फिर डायरेक्ट तीसरा आ जाएगा। ये देखो सीधे तीसरा आ गया। अब इसको अनहाइड कर दो, वापस इसी पे क्लिक करोगे अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग जो है ये टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करता है। हेलो, रिहर्स टाइमिंग क्या करता है, टाइमिंग को रिकॉर्ड करता है, मतलब हर स्लाइड के प्रेजेंट होने में कितना समय लग रहा है।
तो इसको रिकॉर्ड करो, रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया और इधर साइड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, चलने दो। थोड़ा स्लो चल रहा है लैपटॉप, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हैवी हो गया प्रेजेंटेशन लग रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं किया। चलिए फिर से खोल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। कहाँ पे थे हम? हम थे स्लाइड शो में, रिहर्स टाइमिंग। चलने दो चुपचाप। ठीक है, अब देखो टाइमिंग हमें देखनी है तो व्यू में जाओगे और स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो 18 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने टाइमिंग को रिकॉर्ड कर दी कि किस पे कितना टाइम लग रहा है। कहाँ से रिकॉर्ड की? स्लाइड शो से, ठीक है। रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये ऑप्शन 2013 में है, जो ये है हमारा, ठीक है। आप लोगों के 7 वर्जन में ये नहीं मिलेगा। ये पूरे प्रेजेंटेशन को रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब वीडियो टाइप का, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या प्ले करना है, क्या क्या नहीं प्ले करना है, जैसे डायरेक्ट वही वाला जो ऑप्शन मैं बता रहा था, प्ले हटा देंगे तो नरेशन प्ले नहीं होगा, टाइमिंग हटा देंगे तो टाइमिंग काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिक मतलब विदाउट टाइमिंग चलेगा। शो मीडिया कंट्रोल, तो मीडिया कंट्रोल्स नहीं रहेंगे, तो मीडिया कंट्रोल्स तो रहने ही चाहिए, ठीक है। और यूज टाइमिंग, टाइमिंग को भी यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लाइड्स वाला पूरा टैब फिनिश हो गया। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।